साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे यूराल्का हर्बल एल्कलाइजर सिरप के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथियों सबसे पहले जानेंगे यूराल्का हर्बल एल्कलाइजर सिरप है क्या, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ हम इसके इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे डोजेज एंड डायरेक्शन फॉर यूज एंड की इंग्रेडिएंट एंड साइड इफेक्ट की बात करेंगे, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन एमआरपी की बात करेंगे। साथियों यूराल्का हर्बल एल्कलाइजर सिरप जो है साथियों, ये जो है एक ऋषि फार्मेसी जो कि महमूदाबाद सीतापुर की कंपनी है। साथियों बहुत ही अच्छा हर्बल एल्कलाइजर है, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यूराल्का हर्बल एल्कलाइजर सिरप इज ए मेडिसन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉट, किडनी स्टोन एंड यूरिनरी बर्निंग। कहने का मतलब है गॉट मतलब होता है गठिया साथियों, एंड किडनी स्टोन एंड यूरिनरी बर्निंग, जैसे क्या होता है साथियों कभी कभी पेशाब रुक रुक के आता है और जिनके यूरिन करने में जो है क्या होता है बर्निंग होती है, सेंसेशन होता है, इचिंग होती है, उसमें जो है उपयोग करने वाली ये दवा है। साथियों गॉट क्या होता है, गॉट जो है ओल्ड एज जेरियोटिक रिकवरी जो होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं उनके जो है जोड़ों में जो है क्या होता है कि स्टिफनेस आ जाती है और बहुत पेन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और वो गठिया उसमें क्या होता है कि मतलब कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है क्या कहते हैं कि डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए यूरिक एसिड की जांच कराई जाती है। यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है डिपॉजिट हो जाता है, क्रिस्टल्स उसके एकत्र हो जाते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि जैसे किडनी के अंदर जो स्टोन बनता है वो जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है वो स्टोन वो जमा हो जाता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है और उससे क्या होता है स्टोन बन जाता है, और फिर क्या होता है कि पेशाब करने में दिक्कत होती है, यूरिन बर्निंग सेंसेशन होता है, साथ ही साथ क्या होता है पेशाब रुक रुक के आता है और जो है बैक साइड में पेन होने लगता है। तो उसमें ट्रीटमेंट करने वाली ये बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक हर्बल दवा है। इट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, जैसा कि अभी साथियों बताया ये प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है जो कि बॉडी में बनता है, एंड रिड्यूसेस द एपिसोड ऑफ गॉट अटैक एंड प्रिवेंट किडनी स्टोन, और ये क्या करता है जो गॉट अटैक होता है उसको प्रिवेंट करती है, साथ ही साथ क्या होता है किडनी स्टोन को भी प्रिवेंट करती है, रोकती है, साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो नहीं होता है, उसमें ये उपयोग होती है साथियों। और साथ ही साथ क्या करती है रिलीव्स पेनफुल बर्निंग यूरिनेशन जो होता है उसको कंट्रोल करता है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी का भी सिरप काम करती है, जैसे गाल ब्लैडर में है, यूरिनरी ट्रैक्ट में है, और जो है यूरिथ्रा जो पेशाब की थैली है उसमें किसी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है या कि दिक्कत होती है उसकी वजह से सूजन जो आ जाती है तो उसको भी आराम देता है। इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यूराल्का क्या करता है सूथ द इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा, मतलब एक तरह से जो है जो सूजन होती है उसको जो है मतलब एक तरह से आराम देता है, और साथ ही साथ क्या करता है एलिवेट द बर्निंग सेंसेशन, और बर्निंग सेंसेशन को दूर करती है। दैट पेन अकर्स ड्यूरिंग द यूरिनेशन, और बर्निंग सेंसेशन होता है जब पेशाब करते हैं तो उसमें जलन होती है उसको भी दूर करती है। साथियों यूराल्का हर्बल सिरप क्या करता है यूरिन का जो होता है पीएच उसको मेंटेन करती है साथियों, तो ये बहुत ही अच्छी जो है दवा है साथियों। जब भी आप परचेज करेंगे इसमें बहुत सी चीज़ें जो हमने बताई हैं लिखी भी हैं, तो जब भी आप इसको परचेज करें रीड द लेबल केयरफुली। साथियों डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे तो इसको जो है क्या होता है कि मतलब जो आपको यूजेस बताए हैं, और साथ ही साथ अभी हम एक बार और बनाएंगे, एंड यूथराइटिस यूरेथराइटिस हो जाती है, यूरेथ्रा में क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें, एंड सिस्टाइटिस साथियों क्या होता है कि जैसे किसी के स्टोन है अगर स्टोन निकल गया तो उसके बाद क्या होता है गाल ब्लैडर सॉरी यूरेथ्रा जो होता है या पेट के अंदर जो है क्या होता है हल्के हल्के जो है एक तरह से जो है क्या होता है घाव ऐसे बना देता है, या किसी कारणवश किसी केमिकल की वजह से किसी की दवाई के साइड इफेक्ट से उससे क्या होता है कि जो है सिस्टाइटिस हो जाती है पेशाब की थैली के ऊपर, और उससे क्या होता है कि बहुत ही जलन और दर्द होता है, तो साथियों उसमें उपयोग करने वाली ये दवा है। साथियों इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, बर्निंग मैक्चुरेशन में इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम यूरिनेशन की समस्या कहते हैं, सिस्टाइटिस हो जाती है, यूरिनरी ग्लैंड ब्लैडर में क्या होता है सूजन हो जाती है और हल्के हल्के घाव ऐसे जाते हैं, एंड डिस यूरिया होता है पेनफुल डिफिकल्ट यूरिनेशन, पेशाब रुक रुक के होता है और पेशाब करने में तकलीफ होती है उसमें उपयोग करने वाली दवा है, एंड रिकरेंट यूटीआई मतलब यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी तरह का महिला और पुरुष में किसी तरह का जननांग इन्फेक्शन है तो उसमें उपयोग किया जाता है, एंड हेमाटूरिया साथियों क्या होता है कि यूरिन में जो ब्लड आता है उसको हेमाटूरिया कहते हैं, तो इसको इससे कहेंगे प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन
यूरिन एंड एसोसिएटेड विद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से। साथियों बर्निंग सेंसेशन है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक का काम करती है टू प्रिवेंट दी क्रिस्टिलेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको प्रिवेंट करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन नहीं होने देता है एंड इंक्रीज दी आउटपुट ऑफ यूरिन, और ये यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करता है। साथियों स्टोन हो जाता है उसमें बहुत उपयोगी है, स्टोन को ब्रेक करके बाहर भी निकालता है, ये बहुत ही अच्छा हर्बल एल्कलाइजर सीरप है। साथियों इसके डोज और डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका जो है चिल्ड्रन में, बच्चों में अगर किसी को इस तरह की दिक्कत है तो उसमें दिन में 5 ml सुबह और शाम, दिन में 2 बार विद फ्रेश वाटर के साथ इसको लिया जाता है। बड़ों में एडल्ट में जो है 10 से 15 ml, कहने का मतलब है 2 चम्मच या 3 चम्मच जो है हाफ कप वाटर में जो है फ्रेश वाटर के साथ एड करके ले सकते हैं या फिर एज डायरेक्टेड बाई फिजिशियन। साथियों की इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, साथियों जब भी परचेज करेंगे देखिए इसमें लिखा है कि ईच 10 ml, साथियों ईच 10 ml जो है इसके अंदर मतलब की इंग्रेडिएंट ये है कि जो है नागर मोथल मिला है 25 mg, साथ ही साथ क्या है इसमें जो है हरद मिली है, आंवला मिला है, साथियों सफ़ेद चंदन मिला है इसमें, पुनारनावा मिला है, सौंठ मिली है, गिलोय मिला है इसमें, गोछरू मिला है, गोखरू मिला है एंड भूमि आंवला मिला है। साथ ही साथ इसमें सत नींबू मिला है एंड सरिजिका एक जो है आयुर्वेदिक मतलब एक्सट्रैक्ट है, प्लांट है, साथ ही साथ क्वांटिटी सफिशेंट इसमें जो है सीरप मिला हुआ है। साथियों सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसको जो है जब भी परचेज करें घर लाएं ओरिजिनल कंटेनर में ही रहने दें, साथ ही साथ इसको कीप इन ए कूल एंड ड्राई प्लेसेस, कहने का मतलब है रूम टेम्परेचर रखें, जब भी इस्तेमाल करें तो सेक वेल बिफोर यूज इसको इस्तेमाल करना है। साथियों इसकी MRP जो है 210 रुपये है, ऋषि फार्मेसी का प्रोडक्ट है, 100 रुपीज़ की ये कांच की बॉटल है। साथियों इसमें किसी तरह के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी नहीं ज़रूरत है, अदरवाइज डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ये आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर और जो है अंग्रेजी दवाखाना सभी पे जो है ये उपलब्ध है। साथियों तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।